नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। लखनऊ में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने लोगों को शुभकामनाएं दी। बता दें कि उन्होंने विशेष तौर पर इस क्षेत्र से जुड़े ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स और सेवा क्षेत्र में लगे हुए कारोबारी और व्यवसायियों को बधाई दी है। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन एक उद्योग के रूप में लिया जाता रहा है और इस क्षेत्र में रोजगार और आमदनी की असीमित संभावना है। प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस तरफ विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। जयवीर सिंह ने कहा कि बेहतरीन कानून व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं के कारण उत्तर प्रदेश देसी और स्वदेशी सैलानियों के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। देखिए, आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस पवित्र मौके पर, शुभ दिन पर आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदरणीय योगी जी की सत्ता आने से पहले, यानी 2017 से पहले, उत्तर प्रदेश में जो वातावरण था, निश्चित रूप से उसी का प्रतिफल था कि लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते थे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो या जो भी हमारे पर्यटन डेस्टिनेशन थे उनको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट की बात हो, कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पीछे थे। लेकिन आज खुशी है कि आदरणीय योगी जी के सत्ता संभालने के बाद, 2017 के बाद, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थलों को लेकर के, चाहे धार्मिक पर्यटन स्थल हो, आध्यात्मिक हो या अन्य अन्य पर्यटन डेस्टिनेशन हो, उनको डेवलप करने के लिए, उनको कनेक्टिविटी देने के लिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए और अनेक तरीके से। और लखनऊ से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने दी ईद की बधाई, प्रदेशवासियों को दी हार्दिक बधाई। समाज में शांति बनाने की नई प्रेरणा, गणेश चतुर्थी को लेकर सुरक्षा के निर्देश, शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद, निर्धारित रूट से निकाला जाए जुलूस। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाइयां दी है। त्योहारों को लेकर बधाई दी गई है, शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद भी यहां पर है। और आपको बता रहे, लखनऊ से खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ईद की बधाई दी, निर्धारित रूट से निकाला जाएगा जुलूस। समाज में शांति बनाने की नई प्रेरणा, गणेश चतुर्थी को लेकर सुरक्षा के भी निर्देश दिए गए हैं, शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। लखनऊ के मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन इको गार्डन में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और कर्मचारियों की मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने विशाल रैली की है, जिसमें प्रदेश के समस्त विभागों, आशा, आंगनवाड़ी और एनएचएम समेत संविदा और आउटसोर्सिंग के करीब 1,00,000 कर्मचारी शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय मंत्री अशोक कुमार शुक्ला ने कहा कि प्रदेश और देश के विभिन्न विभागों के काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को उचित वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराए। भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश अपने विभिन्न असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार आगाह करता रहा, परंतु उनकी तरफ से कोई भी संवेदनशील निर्णय नहीं लिए गए। मजबूर होकर के भारतीय मजदूर संघ को आज लखनऊ के इको पार्क में रैली का आयोजन करना पड़ा। भारतीय मजदूर संघ आज इस रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को ये बताना चाहता है कि श्रमिक अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए जग चुका है। पद पे यही हाल है, हर पद पे यही हाल है, आशाओं का वही हाल है। तो हम सरकार से मांगते हैं, देखिए, कोविड में हमारा जो रोल है वो किसी से छुपा नहीं है, चाहे गाँव में आशाओं का रोल हो, एएनएम्स का रोल हो, हम लोगों का रोल हो। जब सब लोग घर में थे, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद थे, हम आगे थे। हम यही चाहते हैं कि हमें समान कार्य समान वेतन मिल जाए,
दूसरी बात, अगर आज के डेट में कोई भी संविदा कर्मी मरता है उसे कुछ नहीं मिलता है, तो कम से कम बीमा योजना हमें मिले, स्वास्थ्य लाभ मिले, ऐसी चीजें हमारे लिए भी हो। हम काम करते करते बीमार हो जा रहे हैं, हमारे घरों को देखने वाला पीठ पीछे कोई नहीं है, तो ऐसा शोषण ना करें। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि मानवता के आधार पर भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों की मांग को सुने, समझे, बात करे और समस्या का समाधान करे, हमारी मांगों को पूरा करे। मैं तो सर्वप्रथम बताना चाहूंगा कि हमारा जीवनदायी स्वास्थ्य विभाग 108 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश है, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश की 102 108 और एएलएस कर्मचारियों का नेतृत्व नहीं कर रहा, जो कि हमारी भारतीय मजदूर संघ से संबद्धता है। आज मांग यह है कि जो 27 जुलाई 2021 को पूर्व में एपिडेमिक टाइम के बाद में जब कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया, कर्मचारियों को अवैध रूप से निकाला गया, तो हम लोगों ने एक शांतिपूर्ण धरना इसी इको गार्डन के मैदान में किया। तो उत्तर प्रदेश में उस समय एक कंपनी सेवा प्रदाता थी जो कि वर्तमान में अपना नाम वो बदल के EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज रखी। और अब खबर कानपुर से। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन गांधी जी की 154वीं जयंती के उपलक्ष्य पर स्वच्छता सप्ताह मना रहा है, जिसके तहत पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज कानपुर मेट्रो डिपो कार्यालय और सभी मेट्रो स्टेशनों पर कानपुर मेट्रो के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हर वर्ष 100 घंटे स्वच्छता श्रमदान करने की शपथ ली। स्वच्छता शपथ लेने के बाद मेट्रो कर्मचारियों ने अपने वर्क स्टेशन, क्यूबिकल और अपने विभाग में साफ सफाई की। वहीं हाउसकीपिंग कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। हर वर्ष की तरह इस बार भी उन्हें स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए 30 सितंबर 2023 को मोतीझील मेट्रो स्टेशन पर म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते खबरों में आगे, खबर कानपुर के जूही थाना क्षेत्र से है, जहां परमपूर्व में अजमत खान के बड़े बेटे ने अपने ही छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी सूचना पर थाना जूही की पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ करने पर परिजनों ने बताया कि बड़े भाई के ने छत पर सो रहे छोटे भाई अदनान की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। DCP साउथ रविंद्र कुमार ने बताया कि उनका बड़ा बेटा कुछ काम नहीं करता था और उसे कुछ मानसिक बीमारी भी थी, जिसका इलाज कराया जा रहा था। इसके साथ ही आरोपी के पास से असलाह भी बरामद किया गया। कल दिनांक 26 नौ 2023 को थाना जूही पर एक सूचना मिली थी। उस सूचना पर थाना जूही की फोर्स तत्काल प्रभाव से मौके पे थाना जूही के परमपुरवा मोहल्ले में गई थी। वहाँ पर जो जानकारी की गई, वहाँ पर जो वाकयात पाए गए वो इस प्रकार है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम अजमत खान है, उनके छोटे पुत्र की हत्या कर दी गई थी और जो जाँच पड़ताल हुई वहाँ मौके पर, उस पर पाया गया कि जो हत्या जो किया गया इनके बड़े पुत्र अर्जुन खान के द्वारा ही हत्याकांड की गई है। मौके पे जो प्रथम दृष्टा जो चीज़ें प्रतीत हो रही, तो उससे ऐसा लगा था कि हत्या जो है असलहे से की गई है और फायर आर्म डिग्री मौके पे दिख रही थी। तत्काल प्रभाव से फील्ड यूनिट को मौके पे बुलाया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा जो कार्रवाई की गई, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवाई की गई और जो चीज़ें वहाँ पर संज्ञान में आया, उसके बाद में पोस्टमार्टम की कार्रवाई, पुलिसनामे कार्रवाई की गई। खबर कानपुर के बर्रा 6 हरी मस्जिद के पास से है, जहां पीड़िता ने न्यायालय में विचाराधीन किरायेदारी के विवाद में मकान मालिक पर घर खाली करवाने के लिए पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि घटना से 3 दिन पहले घर बिजली भी काट दी गई थी। आग से किरायेदार का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं घटना के 6 दिन बाद भी बर्रा थाना पुलिस में केस दर्ज नहीं किया गया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने DCP साउथ से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि पीड़िता के 4 साल मासूम बेटे ने DCP साउथ को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद DCP ने पुलिस को मामले की जांच करने के निर्देश दिए। क्या हुआ घर पे, किसने आग लगाई थी? 2-3 लोग आए थे और सारे थे। तो क्या किया फिर बोतल में तो लिए थे आग लगाते एकदम, हम लोग तो पटल लिया और मारने की धमकी दे रहे थे हैं? और डेढ़ बनने थी धमकी दे रहे थे, डेढ़ बन तल लें तुम लोग आधे चल जाओगे। अरे भैया 6 दिन पहले आग लगा दी गई थी, 21 तारीख को। कहाँ आग लगा दी गई थी, किसने लगाई थी? घर में। किसने लगाई? मकान मालकिन ने। क्यों? पहले से विवाद चल रहा था घर का न्यायालय में, लेकिन वो खाली करने के लिए बोल रही थी, हम लोगों ने खाली नहीं किया, उसने आग लगा दी।
अभी जन सुनवाई के दौरान में एक महिला हमारे सामने प्रस्तुत है, उनके द्वारा एक तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा कुछ आरोप लगाए गए। उनका कहना है कि हमारे मकान में दिनांक 21/9/2023 को रात्रि के लगभग 9 बजे मकान मालिक और उनके कुछ साथियों के द्वारा घर में जिस किराए पे रहती हैं उनमें आग लगा दिया गया। मौके पे उस समय पुलिस गई थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पे गई थी और उनके द्वारा आग को बुझा दिया गया था। उस समय जो इनके बच्चे थे उनके जो है पुलिस के द्वारा जो बयान अंकित किए गए और बच्चों के द्वारा बताया गया था कि ये जो है आग मोमबत्ती के चलते लगी थी। हालांकि फिर भी मेरे द्वारा इसमें SHO 12 को पिछली जांच के लिए बता दिया गया है और ये प्रकरण जो अभी तक जो जानकारी हुई है मकान मालिक और किराएदार के बीच का मामला है। वही कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलाबखेड़ा के पास जंगल में प्रेमिका के सामने ही उसके दुपट्टे से फांसी लगाकर युवक ने जान दे दी। हालांकि घटना के वक्त कुछ और युवक के होने की बात सामने आ रही है। इस मामले में महाराजपुर पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है। बता दें कि करीब 2 साल से प्रेम संबंध का मामला चल रहा था। वहीं पुलिस की पूछताछ में प्रेमिका ने परिवार वालों की नाराजगी के कारण युवक से दूरी बना ली थी। वहीं युवक उस पर जबरन शादी का दबाव कर बनाकर उसे जंगल ले गया और युवती के मना करने पर प्रेमिका के सामने ही फांसी लगा ली। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है। कौन सी जगह है, क्या घटना है, क्या नाम है उसका? ये महाराजपुर थाना क्षेत्र का गुलाबखेड़ा गांव है, उसी की सरहद का ये बिल्कुल इंटीरियर में एक जगह थी जहाँ पर एक छोटे से पेड़ से लटक कर एक लड़का लगभग उम्र 25 साल है रजत सिंह, जो सिंह पटरा लाल बंगले के पास का रहने वाला चकेरी थाना क्षेत्र का, उसके साथ एक लड़की भी आई थी। अपने दोनों बाइक से यहाँ पर आए, पूर्णिमा सिंह नाम की लड़की है जो उसके पड़ोस की ही बताई जा रही है। वो आए और ये बताता लड़की का कहना है कि ये कह रहा था मैं मुझसे शादी करो नहीं मैं झूल जाऊँगा, ये कहते कहते वो झूल गया। ये बात लड़की के अकॉर्डिंग। सर यहाँ पे आपने पुलिस आप गए होंगे सर, आपने देखा होगा मैं वो फॉरेंसिक टीम आई थी, फॉरेंसिक टीम ने पूरा उसको सारे साथियों को एकत्र किया है। प्रथम दृष्टया वो कन्नौज में शिक्षक भवन यातायात पुलिस ने छात्र छात्राओं को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। गुरुसायगंज के गीता इंटर कॉलेज पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने छात्र छात्राओं को शिक्षक की तरह नियम समझाया। वहीं उन्होंने कहा कि दुर्घटना में घायल की मदद करने वालों को पुलिस नेक इंसान की खिताब से नवाजती है। ऐसे लोगों को घायल की मदद करने पर केंद्र और राज्य सरकारें पुरस्कृत भी करती हैं। इतना ही नहीं, सड़क पर चलते वक्त मोबाइल फोन से बात करने वाले, नशे में चलने वाले जरा सी लापरवाही पर हादसे में जान गंवा देते हैं। साथ ही उन्होंने छात्रों को सुरक्षित यातायात के तरीके बताकर जागरूक किया। कन्नौज में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए खोले गए नए थाने में बुधवार से मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू हो गई। एसपी अमित ठाकुर आनंद ने थाने का लोकार्पण किया है। कन्नौज जिले के सौरी क्षेत्र अंतर्गत नए थाने सकरावा की शुरुआत हुई है। अभी तक सकरावा चौकी थी जो सौरी थाने के अंतर्गत आती थी। थाने का लोकार्पण करने पहुंची एसपी ने बताया कि 1 सितंबर से सकरावा को थाना बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से अभी तक मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई नहीं शुरू हुई थी। उन खामियों को दूर कर अब इस थाने में हर तरह के कार्य होंगे। एसपी ने उम्मीद जताई कि नया थाना खुलने से कानून व्यवस्था मजबूत करने में बड़ी मदद मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जनपद कन्नौज में एक नए थाने की स्थापना थाना सकरावा की हुई, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर 2023 को की गई, जिसमें कुछ जो तकनीकी सेवाएं सब सारे प्रचलित था आज वो भी पूर्ण हो गया। इसके साथ ही यहाँ पे CCTNS की व्यवस्था पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट हो गई है और आज से यहाँ पे FIR पंजीकृत होना शुरू हो गई है और क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासी यहाँ पे आके अपनी समस्याएं बता के अपना हम लोग उनकी समस्याओं का बेहतर तरीके से निस्तारण कर सकेंगे और हम इस थाने के माध्यम से इस क्षेत्र के क्षेत्रवासियों की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए बेहतर प्रयास करेंगे और बेहतर से बेहतर सर्विस देने का पूर्ण प्रयास करते रहेंगे और साथ ही क्षेत्रवासियों से भी अपेक्षा रहेगी कि पुलिस के कार्यों में सहयोग रहे। पब्लिक और पुलिस जब मिलकर काम करती है तो हमेशा बेहतर परिणाम आते हैं।
अमरोहा में तेज रफ्तार कैंटर के अचानक ब्रेक मारने से हादसा हो गया। फरीदाबाद से कार में सवार होकर चार दोस्त कैंटर में सवार होकर नैनीताल घूमने जा रहे थे, तभी कैंटर के ब्रेक मारते ही उनकी गाड़ी कैंटर में घुस गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। ये पूरा मामला अमरोहा के थाना डिडौली जोया चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो वही गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का लोकार्पण किया है, आपको सीधे ले चलते हैं, उसके बाद संबोधित भी किया। विमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री मुकेश मिश्राम जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए और इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी महानुभाव और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को विश्व पर्यटन दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। पर्यटन हम सबके जीवन में एक नया परिवर्तन करता है, एक नया माहौल हम सबको देता है और अगर कहा जाए तो यह जीवन को जीने की एक नई विधा हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए इनके इस फील्ड की उन संभावनाओं को टटोलने और उसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में उत्साह और उमंग की भावनाओं का संचार करने के दृष्टि से पर्यटन की उन ढेर सारी संभावनाओं को आज हम सबको सामने लाने की आवश्यकता है। मैं और अब खबर कानपुर के किदवई नगर से है, जहां दबंगों ने गर्भवती महिला पर हमला कर दिया है। बता दें कि आरोपी युवक बाराफात के प्रोग्राम की तैयारियों में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने महिला पर हमला कर दिया। मोहल्ले में खौफ पैदा करने के लिए दबंगों ने महिला से मारपीट भी की। आपको बता दें कि बवाल बढ़ते देखकर पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए दबंगों के खिलाफ शांति भंग करने की कार्रवाई की है। जब भीड़ देखी तो हम गए वहाँ, वो बेचारी दबी पड़ी तो उसको हमने इन्हें दोनों ने छुड़वाया। छुड़वा कर मैं तुम्हारे कहीं लग जाएगी, बाल बच्चे था उसका। अच्छा, बस इतना छुड़वाया तो वो लड़ाई करने की पूरी गली की वीडियो बना रहा था, हम तो यहाँ खड़ा था मेरे भाई। अच्छा, वीडियो क्या बात क्या हुई थी? और वो बस वीडियो बनाते देखा, कोई बात भी नहीं हुई थी इधर से मेरे लोग की तरफ से। अच्छा, ये लग रहा है ये सजावट हो रहा है, सजावट को उन्होंने मना किया, सजावट मत करो। किन्होंने मना किया? अधीक ने। अच्छा, सजावट ना करो, ये डीजे हटाओ यहाँ से। और इसके बाद में जब दो औरत जो तीन की नुसाद की, जब कुछ कहा तो उसको पकड़ के घर में खींच ले गया। अच्छा, और घर में मार रहा था। अच्छा, लातों से वो उसका लड़का दोनों। सजावट ना करो डीजे ना बजा। अच्छा, कौन कह रहा था? वही कह रहे हैं। अच्छा, और अब खबर कानपुर के विदनू से है, जहां पति की करतूत से परेशान नवविवाहिता ने डीसीपी साउथ दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने अपने पति पर अप्राकृतिक यौन शोषण का आरोप लगाया है, साथ ही ससुर और जेठ पर भी शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब उसने मामले की शिकायत अपनी सास और जेठानी से की तो उसकी पिटाई कर उसे चुप करा दिया गया। वह नवविवाहिता की शिकायत पर डीसीपी साउथ ने केस दर्ज करने के आदेश दिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
और आरोप लगाया कि एक तो उसके ससुर जो है उससे शारीरिक शोषण करते थे, तो जब वहीं उसने सास को इस बारे में बताया तो उसकी एक नहीं सुनी गई। जन सुनवाई के दौरान एक महिला हमारे सामने प्रस्तुत है, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई, तहरीर में उनके द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं कि उनके पति सास ससुर के द्वारा जो है इन्हें प्रताड़ित किया जाता है और इन्हें मारा पीटा जाता है। इस संबंध में जो है SHO विधनु को विस्तृत जांच के लिए बता दिया गया है। इनकी शादी 2 वर्ष पहले लगभग हुई थी। जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे उसका घर पर इसमें अगली मृत्यु सूचित कराई जाएगी। मेरे हस्बैंड जो ड्रिंक करते हैं, गांजा के नशे में रहते हैं और घर पे आके गलत व्यवहार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं रात पे, और वो उनके पापा हैं, भैया हैं, उनसे भी बोलते हैं नशे में करने के लिए ये सारी चीज़ें। तो अब जब मैंने उनसे अपने हस्बैंड से बताई यही सारी चीज़ें कि वो कर ऐसा ऐसा करते हैं, तो हस्बैंड ने मारपीट कर मुझे शांत करवा दिया। इसके बाद वो मौका भी देखते रहते हैं, मेरे पापा और भैया, सास और जेठ, ससुर लोग मौका भी देखते रहते हैं, मौके की तलाश में ऐसा करने के रहते हैं। जब भी मौका मिलता है तब भी फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं। ससुर उस सास जेठानी से कहो वो भी मार पीट कर शांत करवा देती हैं। तब मैंने एक दिन अपनी मम्मी से बताया तो मम्मी आई घर पे तो समझाने लगी सब कुछ। जब बातचीत सारी हुई तो वो लोग बोले हाँ अपनी लड़कियों को रख नहीं पाएंगे, अपनी लड़कियों को ले। बुटी ने मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।